हेलो दोस्तों, देखिए गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल को शॉक दे दिया। शॉक, उनको भी विश्वास नहीं था कि जीजी जीत कैसे गई, गुजरात जायंट्स जीत कैसे गई। मुझे विश्वास नहीं था और शायद किसी भी क्रिकेट पंडित को विश्वास नहीं होगा कि जीजी इतनी नीचे की टीम थी, अब सडनली उतनी ऊपर कैसे। आज जो खेल दिखाया है, काफी कॉन्फिडेंस से खेला है। और अब देखिए WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग में अब इंटरेस्ट आ रहा है, अब इंटरेस्ट आ रहा है। देखिए कल RCB जीत गई, आज देखिए जीजी दो मुकाबला जीत चुकी है, 4 अंक हो चुके उसके, तो अब ज्यादा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। देखिए आज अगर दिल्ली जीती हो तो सीधे क्वालिफाई कर चुकी, लेकिन अभी भी उसके 8 अंक है और 6 में से 2 मुकाबले हार चुकी, 4 जीती है। तो यहां से थोड़ा ट्विस्ट अब बनना स्टार्ट हुआ। आज देखिए दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, गेंदबाजी फैसला अच्छा था, पकड़ा था उन्होंने। देखिए लॉरा ने अच्छी बैटिंग की, हाफ सेंचुरी मारा। हरलीन देओल ने भी कुछ अच्छा साथ दिया, 33 गेंद में 33 बनाए। मुझे वो प्लेयर अच्छी समझ नहीं आती, मतलब बहुत ना फील्डिंग अच्छी है, ना बॉलिंग अच्छी, ना बैट्समैनिंग उतनी अच्छी करती, पता नहीं, आई डोंट नो क्या है। लेकिन जो काम उतारा है गार्डनर ने, काम उतारा है जो 33 गेंद पे 51 बनाए, उसी के बदौलत, उसी के बदौलत जो जीजी है गुजरात जायंट से 147 तक पहुंचने में कामयाब हुई, 4 विकेटों खोकर। अच्छी बॉलिंग हुई है वहां से, लेकिन जब शुरुआत हुई दिल्ली कैपिटल के तो कुछ अच्छी नहीं हुई, क्योंकि मैग लेनिंग और सैफाली वर्मा, मैक्सिम मुकाबले में मैग लेनिंग ही चलती थी और सैफाली वर्मा, जहां से काम तमाम हो जाता है, मिडिल ऑर्डर पर उतना प्रेशर पड़ता नहीं। लेकिन आज मिडिल ऑर्डर प्रेशर पड़ा है तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा बिखरा नजर आया। रोड्रिक्स भी आज कुछ खास नहीं कर पाई, जॉनसन भी कुछ खास नहीं कर पाए यार। देखिए हाँ, अरुंधति रेड्डी जरूर काम उतारने का प्रयास किया, करी अच्छी बैटिंग कर रही थी, अगर थोड़ा टिकती शायद मुकाबला जीत जाती, और 11 रन से जीजी मुकाबला जीत लिया है। आज देखिए कनुजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तनुजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, किम गार्थ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट लिया। गार्डनर ने बहुत शानदार बॉलिंग की, 2 विकेट लिया। मेरी जो आज मैन ऑफ द मैच हो गार्डनर ने बैटिंग बहुत शानदार किया और 2 विकेट, इंपॉर्टेंट 2 विकेट भी लिया है। तो 11 रन से जो जीती है जीजी, उसका जो श्रेय जाता है वो पूरी तरह से गार्डनर कमाल की गेंदबाजी किया है बैटिंग के साथ। किम गार्थ ने भी 2 विकेट लिया है, ऊपर देखिए हरलीन देओल ने भी 1 विकेट लिया। तो इस तरह की बॉलिंग हुई जिसकी वजह से आज जीजी को थोड़ा सा दमखम लगा, क्योंकि बेथ मुनि के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि जीजी में कुछ खास बचा नहीं है। अब स्नेह राणा कप्तानी, मुझे स्नेह राणा समझ नहीं आती कि स्नेह कप्तानी क्यों, लेकिन आज जो शौक दिया है जीजी ने, पूरी तरह शौक दे दिया उसको दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे मुकाबला हारेंगी, आज जो खेल दिखाया है जीजी ने वो कमाल का, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। और मैं चाहता हूं कि नीचे जो टीमें लगी हुई हैं, जैसे RCB, जीजी हो गए, UP हो गए, ये थोड़ा सा अपने आप को ऊपर लेके आए, क्योंकि जब ऊपर लेके आए, अभी देखिए आज 16 तारीख 17 तारीख अभी भी मुकाबले बचे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट और पैदा, अब WPL थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो थोड़ा सा और ऐसे इंटरेस्ट पैदा होगा तो मुकाबले देखने में थोड़ा मजा आएगा। अब देखिए ट्विस्ट होगा, देखिए अभी मुंबई तो पहुंच चुकी है, दिल्ली बाद में पहुंच जाएगी, 1 मुकाबला जीतेगी वो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीजी और यूपी और देखिए RCB, ये 3 बहुत तगड़ा आपस में भिड़ेंगी। हो सकता है कि जो ऊपर की दिल्ली है उसको काम बिगाड़ भी सकती है। तो हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब, मैं वीडियो लाइक कीजिए, मेरा प्रेस में ख्याल रखिए और मिलते हैं वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।